शो करता है। तो थोड़ा सा डिस्प्ले इसका हाई एम्पियर पर गड़बड़ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ टेक एंड ट्रेवल बी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोनो पार्क पैनल फॉगी डे में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उन प्रदेशों के लिए कौन से पैनल अच्छे रहेंगे, पॉली पैनल या मोनो पैनल। जहाँ तक पॉली पैनल की बात है कि यह पैनल जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि हमारे इंडिया में राजस्थान हो गया, तो वहाँ के लिए पॉली पैनल बेस्ट रहते हैं। बट विंटर्स के लिए मोनो पैनल की परफॉर्मेंस कैसी होती है, यदि आप विंटर्स के लिए यह पैनल परचेस करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें आपको पता लग जाएगा कि विंटर्स में मोनो पैनल कैसा परफॉर्म करते हैं और कितने वाटेज जनरेट करते हैं। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है जैसा कि आप देख सकते हैं, फील्ड में पानी भरा हुआ है और सूरज के सामने बादल छाए हुए हैं। बादल क्या कोहरा है ये सामने, और यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा है। हल्की हल्की धूप नज़र आ रही है, तो देखते हैं कि कितना जनरेशन होता है। और आज है 21 अक्टूबर, और यहाँ पर मेरे पास दो सोलर पैनल हैं। राइट वाला है लूम सोलर 375 वाट और लेफ्ट वाला है ल्यूमिनस 370 वाट, और दोनों ही सोलर पैनल मोनो पर्क टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यह दोनों सोलर पैनल ऐसे मौसम में, ऐसे फॉगी वेदर में कैसा परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा विंटर्स स्टार्ट नहीं हुई हैं और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। आप देख सकते हैं कि पानी सामने भरा हुआ है, देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है। नज़ारा काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर सूरज ये निकला हुआ है। और फ्रेंड्स, इन दोनों सोलर पैनल की मैं विंटर्स में भी टेस्टिंग लेकर आ रहा हूँ, तो यदि आप यह दोनों सोलर पैनल परचेस करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुई है, तो सिर्फ यहाँ पर फॉगी वेदर है। तो ऐसे मौसम में इनकी परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देखेंगे, और यह सोलर पैनल कितना वाटेज जनरेट करते हैं, कितने एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। तो आज हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि सोलर पैनल से इस समय कितने एम्पियर और कितने वोल्टेज अभी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एम्पियर और वोल्टेज को मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज लगभग 38 के आसपास है और एम्पियर 3 एम्पियर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह जो 3 एम्पियर हैं इसको हम थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि घट बढ़ तो नहीं रहे हैं। देखिए इस तरह से लगभग 2.6 हो गए, तो देखते हैं कि ज़्यादा समय के लिए कितने एम्पियर इसमें रुकते हैं, 2.8 और 3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऑन एन एवरेज जो एम्पियर है हम 3 मानकर हम वाटेज की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 3 पर यह जा रहा है, एम्पियर की रीडिंग यहाँ पर 3 पर जा रही है और थोड़ा सा कम भी हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, यह फीचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ग्रिड चार्जिंग ऑफ का फीचर है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा बिजली बचती है, मतलब सोलर बैटरियाँ मेन से चार्ज नहीं होती हैं, ओनली पैनल से चार्ज होती हैं। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर वोल्टेज को मॉनिटर करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 39 वोल्टेज जा रहे हैं, 38 भी जा रहे हैं। तो हम ऑन एन एवरेज जो वोल्टेज है हम 38 मान के हम कैलकुलेशन करेंगे, और यदि हम कैलकुलेशन करते हैं 3 एम्पियर को मल्टीप्लाई करते हैं 38 वोल्ट से, तो हमारी इस समय जो सोलर पैनल से जो वोल्टेज कैलकुलेट होकर आ रही हैं वह है 114 वाट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, फॉगी वेदर में
उतनी ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह की परफॉर्मेंस आपको सोलर पैनल से देखने को मिल रही है। और हालांकि पॉली पैनल भी ऐसा ही परफॉर्म करते हैं ऐसे वेदर में, तो यदि आप पॉली पैनल भी परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं, ऐसी कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बैटरियाँ कितने एम्पीयर से चार्ज हो रही हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं लगभग आप देख सकते हैं कि 8-9 एम्पीयर से यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है। और इसकी अभी हम टेस्टिंग करेंगे क्लैंप मीटर से, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो डिस्प्ले है कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं है, हाई एम्पीयर पर इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। इसका मैंने वेरिएशन कैलकुलेट किया था और इस पर मैंने एक वीडियो ही बनाया था, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वह वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसका जो डिस्प्ले है जब इसमें हाई एम्पीयर आते हैं सोलर पैनल से तो यह डिस्प्ले बिल्कुल इनएक्यूरेट रीडिंग देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें डिस्प्ले में गड़बड़ी है हाई एम्पीयर में। मतलब यदि 26 एम्पीयर तक तो ठीक रीडिंग देता है, लेकिन 26 एम्पीयर से इसका डिस्प्ले ज़्यादा रीडिंग नहीं शो करता है, ठीक है। बट क्लैंप मीटर से यदि आप मीजर करेंगे तो जो बैटरी चार्ज होती है वो लगभग 45 एम्पीयर से भी बैटरी चार्ज होती है इसमें, लेकिन जो डिस्प्ले है वह सिर्फ 26 एम्पीयर ही शो करता है। तो थोड़ा सा डिस्प्ले इसका हाई एम्पीयर पर गड़बड़ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्लैंप मीटर से, लो एम्पीयर पर तो आई थिंक ठीक ही रीडिंग दिखाएगा, तो यहाँ पर हम लो एम्पीयर पर क्लैंप मीटर से हम बैटरी चार्जिंग एम्पीयर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने डीसी एम्पीयर सेट कर लिया है, और यदि आप यह क्लैंप मीटर परचेस करने का सोच रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी चीप एंड एक्यूरेट क्लैंप मीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग एक्यूरेट रीडिंग ही आ रही है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बैटरी चार्ज हो रही है लगभग 10 एम्पीयर से, लेकिन जो डिस्प्ले शो करता है लगभग 8-9 एम्पीयर यहाँ पर डिस्प्ले शो कर रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि कौन सी बैटरी कितने एम्पीयर से चार्ज हो रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि 10 एम्पीयर लगभग आ रहे हैं, तो एक बैटरी चार्ज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 3 एम्पीयर से बैटरी चार्ज हो रही है, 3.6 एम्पीयर से। और अभी सोलर से अभी एम्पियर टोटल आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 एम्पियर अभी आ रहे हैं, तो एक बैटरी यहाँ पर 3 एम्पियर से चार्ज हो रही है और दूसरी बैटरी लगभग 6.9 एम्पियर से चार्ज हो रही है। जो बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होती है वह ज़्यादा एम्पियर से चार्ज होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको इस वीडियो से पैनल खरीदने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।